हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इन दिस माय ऑनलाइन क्लास बाय मी इन सामली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का मेरे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चूँकि सिलेबस बदला हुआ है, किताबें बदली हुई है, तो सबसे पहले हमें उन किताबों के विषय में, उन पुस्तकों के विषय में हूबहू क्लियरली जानकारी ले लेनी है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे उसके डिवाइडेशन है, कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे वर्गीकृत किया गया है। इन सारी चीज़ों के विषय में हमें स्पष्ट रूप से जानना होगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का जो मॉडल पेपर बनता है, जो आपके बोर्ड के पेपर बनते हैं, वह 70 नंबर के होते हैं। टोटल मार्क 70 नंबर का होता है, जिसमें 35 नंबर टेक्स्ट बुक से आते हैं और 35 नंबर ग्रामर से आते हैं। तो आज हमें क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक के विषय में पढ़ना है और उसी के विषय में जानकारी लेनी है कि क्या क्या है। तो आइए डियर स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक को दो भागों में बांटा है। पहला फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा फूट प्रिंट्स विदाउट फीट। देखिए, समझिएगा, फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर टेक्स्ट बुक और फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, यह भी लिटरेचर ही है। अंतर क्या है? फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर टेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे प्रोज और पोएट्री। इन दोनों को फर्स्ट फ्लाइट में डाला है। अब जो फूट प्रिंट्स विदाउट फीट है, इसमें हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर। तो दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर टेक्स्ट बुक, उसमें हमें प्रोज और पोएट्री पढ़ने हैं, और फूट प्रिंट्स विदाउट फीट में हमें पढ़ना है सप्लीमेंट्री रीडर। तो डियर स्टूडेंट, आइए हमें फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोज है उसमें क्या क्या पढ़ना है, आइए चर्चा करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट में जो हमारा प्रोज सेक्शन है, प्रोज, इसमें हम जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वह है ए लेटर टू गॉड। डियर स्टूडेंट, आप काम करिएगा, जब यह वीडियो आप, इस वीडियो का जब आप अवलोकन करेंगे, तो आप अपने किताबों को, टेक्स्ट बुक जो आपकी किताब है, उसे आप सामने लेके बैठिएगा और वीडियो देखिएगा, उसमें कंपैरिजन करिएगा कि क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट फ्लाइट में जो प्रोज का पार्ट पढ़ेंगे, वह फर्स्ट चैप्टर आपका होगा ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखा गया है, यानी किसने लिखा है, जी एल फ्लुएंस ने। ए लेटर टू गॉड को लिखने का काम किए हैं जी एल फ्लुएंस। दूसरे नंबर पे आपको जो दूसरा चैप्टर पढ़ना है वह है नेल्सन मंडेला। जो दूसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे प्रोज में, वह चैप्टर है नेल्सन मंडेला। इसमें लॉन्ग वॉक टू फ्री नेल्सन रोजेला मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी के विषय में इसमें आपको पढ़ना है। जो तीसरा चैप्टर आप पढ़ेंगे वह है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें दो टॉपिक दिया है। जब यह चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इसमें दो टॉपिक आपको पढ़ना होगा। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट,
पहला होगा हिज फर्स्ट फ्लाइट और इसमें जो दूसरा टॉपिक होगा वह होगा ब्लैक एरोप्लेन। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में आपको दो टॉपिक पढ़ना है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। यह तीसरा चैप्टर हुआ आपके प्रोज का। चौथे में आइए, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, एने फ्रैंक, यह चौथा टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। पांचवा चैप्टर आपका द हंड्रेड ड्रेसेस फर्स्ट। जो पांचवा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा वह होगा द हंड्रेड ड्रेसेस फर्स्ट। और इसी में जो छठा चैप्टर है वह है द हंड्रेड ड्रेसेस सेकंड। यह छठा चैप्टर आपका है, पांचवा चैप्टर द हंड्रेड ड्रेसेस फर्स्ट और छठा चैप्टर होगा आपका द हंड्रेड ड्रेसेस सेकंड। अब आइए सातवें चैप्टर में चलते हैं। सातवां चैप्टर है आपका ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। यानी भारतवर्ष की झलक, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन टॉपिक के विषय में आपको पढ़ना है। भारतवर्ष की झलक ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में आपको तीन टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, ए बेकर फ्रॉम गोवा, और उसी में सेकंड है आपका कूर्ग, कूर्ग, और लास्ट है तीसरा टी फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम। यानी ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में तीन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला है ए बेकर फ्रॉम गोवा, हूज और टी फ्रॉम असम। आठवें में आइए, मिजबिल द आटर, मिजबिल द आटर, यह आपको आठवें चैप्टर के रूप में पढ़ना है। नवें चैप्टर में मैडम राइड्स द बस, मैडम राइड्स द बस, यह आपको नवा चैप्टर पढ़ना है। दसवें चैप्टर में आपको पढ़ना है द सेरमन एट बनारस, द सेरमन एट बनारस,
दसवीं चैप्टर के रूप में आपको पढ़ना है द सर्मन एट बनारस। ग्यारहवा और लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है द प्रपोजल। तो डियर स्टूडेंट, यह तो आप लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने प्रोज के विषय में देखा, यानी टोटल प्रोज 11 चैप्टर है। अब इसी फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा पोएट्री, क्योंकि फर्स्ट फ्लाइट में ही प्रोज और पोएट्री है। और मैंने आपको बताया था कि जो फूट प्रिंस विदाउट फीट है उसमें आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा। तो अभी आप लोग फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर टेक्स्ट बुक का देख रहे हैं जिसमें आपको 11 चैप्टर आपके प्रोज में मिले। फिर अब आते हैं मैंने शुरुआत में ही कहा है कि इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग अपने लिटरेचर टेक्स्ट बुक को लेके बैठिएगा, वीडियो भी देखिएगा और उसमें से कंपैरिजन भी करिएगा कि कौन कौन से चैप्टर उसमें कहे जा रहे हैं कि आपकी किताब में है भी या नहीं, इसको आप मिलान कर लीजिएगा। अब आइए फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर टेक्स्ट बुक में पोएट्री। अभी तक तो आपने प्रोज के विषय में समझे, प्रोज के विषय का अवलोकन किए, अब आते हैं प्रोज के बाद पोएट्री। फर्स्ट फ्लाइट में ही इसको भी रखा गया है। इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वह है डस्ट ऑफ स्नो। यह है आपका पहला चैप्टर पोएट्री में, डस्ट ऑफ स्नो। दूसरा चैप्टर है फायर एंड लू, सॉरी फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, यह है आपका दूसरा चैप्टर। आइए तीसरे चैप्टर में, तीसरा चैप्टर आपका है ए टाइगर इन द जू। यह है आपका तीसरा चैप्टर। चौथे चैप्टर में आपको हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यह है आपका चौथा चैप्टर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पांचवा द बाल पोएम, पांचवें चैप्टर के रूप में यानी पांचवें पोएम के रूप में आपको पढ़ना है द बाल पोएम। छठा चैप्टर आपका है एमांडा, सातवां चैप्टर आपका है एनिमल्स, आठवां चैप्टर आपका है द ट्रीज, नवे चैप्टर के रूप में आपको पढ़ना है फॉग, दसवां चैप्टर आपका है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द
ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और ग्यारहवा और लास्ट चैप्टर, ग्यारहवा और लास्ट पोएम आपको पढ़ना है फॉर एनी ग्रेगरी, फॉर एनी ग्रेगरी, फॉर एनी ग्रेगरी। यह 10-11 चैप्टर, 11 पोएम आपको फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। अब उसके बाद हमने आपको बताया था फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा सप्लीमेंट्री रीडर। जो दूसरे में आपको बताया गया था फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, यानी फूट प्रिंट विदाउट फीट के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा सप्लीमेंट्री रीडर, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। आइए सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत हमें कौन कौन से चैप्टर का अवलोकन करना है, कौन कौन से चैप्टर को पढ़ाने हैं, जरा उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। फूट प्रिंट विदाउट फीट अर्थात सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत जो हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वह है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, ए सर्जरी, यह हमें सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। जो दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है वह है द थीव्स स्टोरी, द थीव्स स्टोरी। जो तीसरा चैप्टर हमें पढ़ना है वह है द मिडनाइट विजिटर, द मिडनाइट विजिटर। जो फोर्थ चैप्टर हमें पढ़ना है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यह है हमारा चौथा चैप्टर। जो पांचवा चैप्टर हमारा मिलेगा फूट प्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत वह होगा फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, फूट प्रिंट्स विदाउट फीट, यह हमारा पांचवा चैप्टर होगा। जो छठा चैप्टर हमारा होगा वह है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। सातवां चैप्टर हमारा होगा द नेकलेस, द नेकलेस। आठवां चैप्टर द हैक ड्राइवर,
हैक ड्राइवर। जो नवा चैप्टर हमारा होगा भोली, और दसवां तथा लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा वह है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यह हमारा दसवां चैप्टर होगा। तो इस तरह से फुटप्रिंट विदाउट हीट में हमें 10 स्टोरी का अवलोकन करना है, यानी सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं। ए ट्रिम ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली तथा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका यह जो लिटरेचर टेक्स्ट बुक है उसका लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत हुआ। अगर आप किताब सामने रख के, पुस्तक यानी जो टेक्स्ट बुक है उसे सामने रखकर इसका अवलोकन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियरली आप समझ लेंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक पुस्तक को परचेज न किए हों, बुक परचेज न किए हों, मार्केट में उपलब्ध है, अविलंब आप लोग बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि मेरे अगले वीडियो में प्रोज का जो फर्स्ट चैप्टर है वह स्टार्ट होगा। तो आशा करता हूँ कि जो जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर दिए गए हैं उसके विषय में आप भलीभांत समझे होंगे। तो किताब से अवलोकन करिएगा और अगले वीडियो के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। थैंक यू।